नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं मास मीडिया के बारे में, यानी कि BMC बेस्टर्स इन मास कम्युनिकेशन और BJMC बेस्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप ये कोर्स करने की सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप मास मीडिया का कोर्स करने की सोच रहे हैं और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको चलिए बताते हैं कि इस फील्ड में आपको क्या क्या काम करने को मिल सकता है, इस फील्ड का क्या स्कोप है और आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मास मीडिया के बारे में, यानी BJMC या BMC, उसको कुछ भी कहा जा सकता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में मास मीडिया भी कहा जाता है। अगर मास मीडिया के बारे में बात की जाए तो मास मीडिया 12th के बाद की जाती है, 12th के बाद आप इसको कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है, ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है मास मीडिया का, जिसको बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब ऐसे में अगर बात की जाए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं जर्नलिज्म का कोर्स करूँ, मास मीडिया का कोर्स करूँ, तो मुझे इसके अंदर आगे चल के क्या काम करने का मौका मिलेगा, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मास मीडिया करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि आप कई फील्ड में जा सकते हैं। जी हाँ, एक कोर्स करने से काफ़ी फ़ायदे आपको हो सकते हैं। इस कोर्स में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आप केवल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जा सकते हैं, इसके बाद आप PR में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, न्यूज़ में जा सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप राइटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो वहीं आप किसी कंपनी का या किसी का PR देख सकते हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी वैकेंसीज खुल जाती हैं। एक बार अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स कर लेते हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि आप जर्नलिज्म करने के बाद, यानी कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, 12वीं के बाद, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो वो लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि आप उसमें आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप डेस्क एडिटर बन सकते हैं, एडिटोरियल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं, तो वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया PR एजेंसी में जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जा सकते हैं, तो वहीं आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबी लिस्ट है ये जर्नलिज्म करने की, मास कम्युनिकेशन करने के बाद क्या आप कर सकते हैं इस बारे में। तो इस हिसाब से आप अभी तक समझ गए होंगे कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद आपका जो स्कोप है, जो आपको फ्यूचर स्कोप है, आपकी जो जॉब, अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है, तो ड्रीम जॉब आपको एक कोर्स के अंदर ही मिल जाती है, क्योंकि इस कोर्स में ही आपको काफ़ी सारे रास्ते आगे चल के करियर बनाने के मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप मास कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हैं और आपने इन में से किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच रखा है, तो आप मास कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, दिल्ली और दिल्ली NCR में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज कराते हैं। आप उनकी डिटेल गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं और आपको जो बेहतर कॉलेज देगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।